हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट इशू क्या होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया राइट इशू क्या होता है तो उसकी आई बटन में आपको दूंगा ऊपर आई बटन पे या लिंक होगा तो उस राइट इशू से रिलेटेड ओके आपको यहाँ पर सब चीज पता चलती हुई दिखाई देगी कि राइट इशू होता क्या है यहाँ पर देखिए व्हाट इज राइट इशू शुड बी अप्लाई इन राइट ये एक वीडियो थी, तो जाके एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो एशियन ग्रेनिटो।, ग्रेनिटो का यहाँ पर राइट इशू आ रहा है क्या अप्लाई करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए एग्जैक्टली करना क्या चाहिए क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन माइंड में यहाँ पर लोगों के रहते हैं किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या फिर जो Uh, हमारे पास हमारे क्रेडिट होते हैं वो राइट uh, इशू right क्या उसे सेल आउट कर देना चाहिए तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहे इन वीडियोस को जाके यहाँ पर गो थ्रू करिए प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए ओके कोई पैसे नहीं देना कोई कुछ नहीं देना सिंपली यहाँ पर आपको वीडियोस पे जाना है लाइक करना है आ, कमेंट करना है कोई कुछ क्वेरी हो तो आपकी और यहाँ पर जाके वीडियोस को देखिए कोई नॉलेज के लिए यहाँ पर किसी तरीके का पैसे देने की आपको जरूरत ही नहीं है सिंपली सीखना होता है तो आइए वीडियो की तरफ जानते हैं पहले राइट इशू देखिए शॉर्ट टर्म में पहले बता देता हूँ राइट इशू होता क्या है तो राइट इशू ऑफ अ डिविडेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन राइट टू बाई एडिशनल सिक्योरिटीज कंपनी मेड टू सिक्योरिटी

होगा तो राइट इशू एक तरीके से कंपनी कुछ शेयरिटी शे, होल्ड, होल्डर्स को, को खरीद सकते हैं एशियन का आपको ही है। हमने काफी बार वीडियो बनाई है इसके बाद यहाँ पर शेयर गिरता हुआ भी नजर आया है बट यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है ओके और इसकी यहाँ पर राइट इशू आ रहा है तो राइट इशू में आपको करना क्या है उससे रिलेटेड पहले हम बातें करते हैं सबसे पहले राइट इशू यहाँ पर क्या है किस प्राइस पे है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं तो देखिए दो सौ चौबीस रुपए पैसठ करोड़ दो सौ चौबीस पॉइंट सिक्स फाइव करोड़ रुपीज का यहाँ पर ये यह, एशियन गैरेंटर राइट इशू है जो कि सितंबर 23 मतलब यहाँ पर आज 21 तारीख है परसों के दिन यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखाई देगा और वो भी हंड्रेड रुपीज पर शेयर पे अब अगर अभी की बात करें तो यहाँ पर वन फिफ्टी सेवन रुपीजे शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है आज के दिन लगभग भागता हुआ दिखाई दिया था ये शेयर तो लगभग हमारे अगर बात करें थर्टी के आसपास आज की डेट से भी बात करें तो यहाँ पर ये शेयर थर्टी के आसपास ये शेयर यहाँ पर आ, आपको डिस्काउंट पे मिलता हुआ नजर आ रहा है तो क्या अप्लाई करना चाहिए इसके लिए या नहीं करना चाहिए सौ रुपए पे ये शेयर मिल रहा है जो कि 155, सौ पचपन का प्राइस यहाँ पर चल रहा है क्या करना चाहिए तो उससे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एशियन ग्रेनिटो और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एशियन ग्रेनिटो यहाँ पर तो ये देखिए ये जो आ, यहाँ पर राइट इशू आते हुए दिखाई देंगे तेईस तारीख को अभी सिंपली एंजल ब्रोकिंग का यहां पर uh, है तो एंजल ब्रोकिंग में यहाँ पर अभी से यहाँ पर दिखा दिया है बट यहाँ पर क्रेडिट नहीं हुए बहुत जल्दी ये तेईस तारीख को यहाँ पर क्रेडिट होते हुए दिखाई देंगे और जेरोधा में भी यहां पर तेईस तारीख को ही यहाँ पर क्रेडिट होते हुए दिखाई देंगे तब ये ऑप्शन भी शो करेगा एंजल ब्रोकिंग में अभी शो कर रहा है तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ तो देखिए तेईस तारीख को यहाँ पर ये शुरू हो रहा है और यहाँ पर सात तारीख को इसकी क्लोज डेट है तो विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड आपको यहाँ पर डिसीजन लेना आपको यहाँ पर सेल आउट करना है यहां पर आपको क्या करना है वो आपका डिसीजन होगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो कंपनी है। के, तो के, के, uh, के लिए राइट इशू लाया जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता वैसे तो राइट इशू बट स्टिल अगर कंपनी में ग्रोथ की संभावना हो तो वो कंपनी uh, अच्छा खासा यहाँ पर अपने आपको ला सकती है तो अगर हम बात करें तो देखिए इशू विल बी यूज टू रीपे और प्रीपे सर्टिन आउटस्टैंडिंग बोर्डिंग मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द अगर हम बात करें तो देखिये वो ही सब चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ uh, और कुछ उनकी रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर लाने के लिए कंपनी यहाँ पर आईपी uh, यहाँ पर राइट इशू लाती हुई दिखाई दे रही है कंपनी फिक्स सेप्टेम्बर नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी uh, वन यहाँ पर जो डेट है ये आपको बताई दिया है और कितने राइट इशू मिलेंगे तो देखिये यहाँ पर जिनके पास भी उनतीस शेयर रहेंगे ओके okay, जिनके पास 29 शेयर रहेंगे 29 के आपको यहाँ पर 19 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे तो आप यहाँ पर 19 शेयर के लिए या तो अप्लाई कर सकते हैं कैसे अप्लाई करना है वो एक आपको बताऊंगा वर्बली वो आप यहाँ पर जाके कर लीजिएगा अदरवाइज यहाँ पर आप यहाँ पर ये यह जो आपके नाइनटीन शेयर आपके अकाउंट में आते हुए दिखाई देंगे तो यहाँ पर आप उन शेयरों को सेल आउट भी कर सकते हैं और वो शेयर भी यहाँ पर उसी तरीके जैसे नॉर्मल इक्विटी शेयर्स यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं कोई साउन पर, पर है इनका, तो इस चीज को याद रखिए आपको बाइंग करना है सहल, उससे हम बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पास्ट फोकस ऑन रिड्यूसिंग डेट यहाँ पर देखिए द कोर बिजनेस ऑफ टाइल्स एंड बिजनेस मटेरियल्स टू मूविंग टुवर्ड्स एसेट लाइट एंड कैपिटल लाइट बिजनेस मॉडल तो अगर हम बात करें ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है और बेहतरीन तरीके से एक्सपेंड करना चाहती है आ, इसलिए यहाँ पर ये राइट इशू भी लाया जा रहा है ताकि एक तरीके से सबसे पहले डेट फ्री हो इन्होंने अपनी होल्डिंग भी बेची थी इसलिए बेची थी ताकि वो यहाँ पर कुछ डेट है जो उसे पे कर सके यहाँ पर प्रोमोटर्स ने देखी यहाँ पर देखिए पार्टिसिपेट यहाँ पर यहाँ पर डेट बेचते अपने शेयर शेयर होल्डिंग बेचते हुए नजर आए थे रिड्यूस करते हुए नजर आए थे और यहाँ पर उन्होंने बॉरिंग यहाँ पर कम करी और विद इन टू टू थ्री ईयर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कंसोलिडेट इनका जो डेट है उसे भी यहाँ पर डेट फ्री यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर इनकी कुछ पर्टिकुलर कंपनीज में जैसे कि एस्टर्न पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड इसमें इनकी 18.87 परसेंट की हिस्सेदारी थी वो भी इन्होंने यहाँ पर सेल uh, आउट कर दी है तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट से कंपनी यहाँ पर पैसा जुटा के एक ही बिजनेस पे ध्यान देना चाहती है और वहां से uh, बहुत कुछ यहाँ पर करना चाहती है सबसे पहली बात अब बात करते हैं यहाँ पर एशियन गैनेटों की तो देखिए एशियन गैनेटों यहाँ पर टाइल्स और सबसे उससे रिलेटेड बातें करती हुई नजर आती है एज वेल एज बनाती हुई नजर आती है और हम अगर देखें सारेमिक टाइल्स और अलग अलग तरीके की टाइल्स बनाती हुई नजर आती है और यहाँ पर लीडिंग कंपनी है इस चीज को भी याद रखिएगा टाइल्स के मामले में

कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर अभी पूरा ओपन अप था तो ये और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है भारत में बहुत ग्रोथ आने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो ये शेयर्स यहाँ पर फ्यूचर में बहुत ज्यादा भागते हुए दिखाई देंगे तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सेल्स देखिए तो सेल्स देखिए इनकी मैनेजमेंट को काम करना आता है एक वन सिक्सटी करोड़ की सेल्स हर साल बढ़ते बढ़ते यहाँ पर देखिए चौदह सौ करोड़ की सेल्स में हो चुकी है पिछले बारह महीने में ये बताती है कि कंपनी यहाँ पर काम कर रही है तेईस करोड़ का प्रॉफिट तेहत्तर करोड़ हाईएस्ट एवर में तब्दील हो गया है तो यहाँ पर इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर

पब्लिक में भी अच्छा लोग पर नजर आ रहे हैं इनकी तरफ देख सकते हैं बाकी आ, ये शेयर मुझे लगता है कि आगे चल के तो, अच्छा तो यहाँ पर अगर पैटर्न की तो देखिए तो यहाँ पर ये और एक वन हंड्रेड रुपीज के आसपास का यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है हमें सपोर्ट लेवल बट ये जो सपोर्ट लेवल है ये भी एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल है क्योंकि बार बार इसी पे आके रुक रहा है इससे पहले भी यहीं पर ही आके रोक रहा था और यहां पर बात करें तो ये भी एक सपोर्ट लेवल है ये भी एक सपोर्ट लेवल है बट बत... पॉजिटिव होकर सोचेंगे क्योंकि जिस तरीके से एग्जारो भागता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से दूसरे शेयर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी बैलेंस शीट वगैरह हमने देखी है कंपनी की ईयरली वाइज एक बेहतरीन ग्रोथ है क्वार्टरली वाइज अच्छी खासी ग्रोथ है ये शेयर भागेगा थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कंपनी ने कोई रिजल्ट नहीं दिया यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं देते हुए नजर आया है और जब चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न अगेन बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए ये एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कब विद हैंडल पैटर्न इसके अलावा हम बात कर रहे

या तो आप यहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई क्या करना है देखिए जब यहाँ पर राइट इशू आएंगे ना तो आपको यहाँ से नहीं खरीदने हैं यहां से आप खरीदेंगे ना तो आपका पैसा डूब जाएगा एक रुपये भी आपको मिलता हुआ नजर नहीं आएगा सबसे पहली बात इस चीज को याद रखिएगा कि अगर आपने यहाँ आप पर खरीदा और खरीदने के बाद यहाँ पर दोबारा यहाँ पर बेचोगे ना आप इस शेयर को बेच दोगे डूरिंग दैट पीरियड तो ठीक है यहाँ पर इशू जो आपको शेयर आएंगे उन्हें बेच दोगे तो ठीक है बट अगर आपने यहाँ पर खरीदा खरीदने के बाद आपने नहीं बेचा ना सात तारीख से पहले पहले तो यहाँ पर आपको एक रुपए का भी फायदा होगा और जो पैसे डाले हैं उसका नुकसान हो जाएगा तो आपको करना क्या है तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इन पर्टिकुलर शेयर के लिए या तो आप ऑफलाइन जा सकते हैं इनकी साइट पे जाएंगे तो राइट इशू से रिलेटेड यहाँ पर दिया होगा वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं वहां पर अप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज आप जो भी बैंक यहाँ पर यूज करते हैं यहाँ पर एच यूज करते हैं या एस यूज करते हैं या जो भी एजबा के बारे में आपने सुना ही होगा मैं आपको दिखा देता हूँ एसबा बॉड इज एसबा यहाँ पर अगर हम बात करें फुल फॉर्म ऑफ एसबा तो आपको पता चलेगा देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक अमाउंट्स होता है मतलब यहाँ पर जो आपके बैंक्स होते हैं ना कुछ बैंक जो यहां पर इसे सपोर्ट करते हैं कुछ बैंक होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते एच डी एफ सी सपोर्ट करता है आई थिंक कुछ बड़े जितने भी बड़े बैंक है वो सपोर्ट करते होंगे एस बी आई यहां पर सपोर्ट करता है कुछ छोटे छोटे बैंक है वो सपोर्ट नहीं करते होंगे तो यहाँ पर उनकी सर्विसेज एज वेल एज यहां पर रिक्वेस्ट वगैरह कुछ ऑप्शन रहते हैं उसमें आप जाइएगा और वहां पर आईपीओ जैसे आप एसबा के थ्रू आईपीओ अप्लाई करते हैं उसी तरीके से आप राइट इशू यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कुछ भी नहीं सिंपली आपको दो तीन डिटेल्स भरनी होगी कि आपकी डीपीआईडी क्या है आपका सी डी एस एल सी क्या साथ कनेक्टेड है जरुदा है जैसे का वर्क करता है यहाँ पर डीपीआई में यहाँ पर जरोदा का नाम लिखेगा यहाँ पर डीपीआईडी डाल दीजिएगा सिक्सटीन दी डिजिट की तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं राइट इश्यू और वो राइट इशू आपको जितने भी हो आपको मिलते हुए नजर आएंगे ट्वेंटी रेशो नाइनटीन रेशो ट्वेंटी नाइन का यहाँ पर एक रेशो बना हुआ है उसके हिसाब से आपको ये शेयर मिलते हुए नजर आएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए वन फिफ्टी सेवन के आसपास शेयर मिल रहा है हंड्रेड रुपीज़ के यहाँ पर जो राइट इशू आएगा एक एवरेज प्राइस निकल के आएगा और शेयर को थोड़ा सा टाइम दीजिए एक से डेढ़ साल का ये शेयर आपको गोली की तरह भागता हुआ नजर आएगा इनकी ग्रोथ मुझे जैसे कि मैंने यहाँ पर ईयरली बेसिस पे दिखाई है बेहतरीन ग्रोथ है कोई कम्प कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात ही नहीं है यहाँ पर देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट है और अपने आपको डेट फ्री कर रहे हैं एक बार डेट फ्री कर दिया तो जो ये चालीस करोड़ पचास करोड़ का यहाँ पर ये जा रहा है इनका इतनी से ही प्रॉफिट हो रहा है इतना ही यहाँ पर इनकी इंटरेस्ट जा रहा है इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा सिंपली प्रॉफिट में आएगी कंपनी दो साल के अंदर अंदर आपके शेयर को चार से पांच गुना कर देगी और क्या चाहिए इतने ही हमें रिटर्न चाहिए होते हैं तो अप्लाई करने की सोचिएगा सेल आउट करने की सोचिएगा और अप्लाई यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर डायरेक्ट मत खरीदिएगा सिंपली आप यहाँ पर एसबा के थ्रू खरीदिएगा ओके या फिर इनकी वेबसाइट पर जाके लिंक के थ्रू देगा तो आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है आ, और उस चीज के अकॉर्डिंग ही आपको एनालाइज करके यहाँ पर देखना मैं यहाँ पर बाइंग करूंगा इस पर जितने भी मुझे राइट इशू मिले हैं डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में मैं ऐड करता हुआ दिखाई दूंगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस